विजिलेंस एडीजी को हमने पत्र जो है भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने भेजा है, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए और एक ही व्यक्ति को बार बार गोल लगातनी समाचार बटुए डुमराव से बड़ा खबर आ रहा बटुए। डुमराव के कार्यपालक पदाधिकारी या ठेकेदार के संपत्ति के जांच करे के उठे लागल मांग। डुमराव के आरटीआई कार्यकर्ता साथे साथ राजद के पूर्व प्रदेश सचिव दिहले आवेदन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। आरटीआई कार्यकर्ता के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। कहल गइल बटुए कि जब सिस्टम करप्ट हो जाए, सिस्टम में लूट मच जाए, यही खातिर राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के तहत आम जनता भी ई जान सकेला कि कहाँ कहाँ कौन कौन गड़बड़ी बटुए। एकरा बाद कार्रवाई तय रहेला। जी हाँ, ऐसने मामला निकल करके आइल बटुए डुमराव नगर परिषद में, जहाँ सेटिंग या गेटिंग के तहत एक ही ठेकेदार के कतना रुपया के दिहल गोइल काम। इरौरा सभे बस ध्यान से सुनत रही। जल जीवन हरियाली के नाम पर 7.5 लाख के लागत से तालाब के जीर्णोद्धार भइल, लेकिन तालाब से देखे से लागता कि एको पैसा के काम नइखे भइल। छठ घाट पे छठिया पोखरा सहित अन्य तालाब के जिम्मेवारी ठेकेदारे के दिहल गोइल रहे का माजरा बात सब जान ली। राजद के पूर्व प्रदेश सचिव आईआरटीआई एक्टिविस्ट रामजी सिंह यादव डुमराव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार और ठेकेदार अशोक कुमार के गठजोड़ के जांच करावे के मुख्यमंत्री से मांग कइले बाड़े। विभागीय कार्य के नाम पर एक ही ठेकेदार के काम दे के लाखों के कमाई कइल जा रहल बा। विभागीय कार्य के नाम पर मोटा रकम बनावे के खेल चल रहल बा। रामजी सिंह यादव बतैनी कि कैसे डुमराव में जल जीवन हरियाली या कुआं के जीर्णोद्धार के नाम पे लाखों रुपया के गबन क लिहल गइल बा। डुमराव वार्ड 1 के खिलौली में तालाब के सफाई के नाम पर करीब 7.5 लाख से अधिक रुपया के निकासी क के लूटपाट क लिहल गइल बा। वही मुख्य सड़क पे अनुपयोगी बैरिकेटिंग लगा के करीब 7 लाख रुपया के गबन कइल गइल बटुए। ई एक्टिविस्ट खुद सब बताई हैं। रोरा सुनब, नगर परिषद में खाली विभागीय कार्य लगातार करावल जा रहल बा, शहर के विकास से कोनो मतलब नहीं खे। जी हाँ, शहर के विकास से कोनो मतलब नहीं खे। बस इो मनोज कुमार और ठेकेदार अशोक कुमार मोटा रकम बनावे में लागल बा लोग। रामजी सिंह यादव आरोप लगैनी कि का कारण बा, जैसे जल नल रोड के मरम्मती, एलईडी लाइट मरम्मत, चापा कल मरम्मत, सामुदायिक शौचालय के मरम्मत आ छठ पे घाट के सफाई से लेके सब काम एक ही ठेकेदार अशोक कुमार से करावल जा रहल बा। रामजी सिंह यादव मुख्यमंत्री निगरानी विभाग आ ईडी विभाग के पत्र लिख के ईओ मनोज कुमार आ ठेकेदार अशोक कुमार के संपत्ति के जाँच करावे के मांग कइले बाड़। अभी भोजपुरिया समाचार बयान सुनाई, रौरा सब बयान सुनब। चैनल पर अगर नया बानी तो अभी बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कि खबर कैसन लागल आ अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी आ भोजपुरिया समाचार के धमक पहुंच सके। तो रौरा सुनी आरटीआई कार्यकर्ता के बयान, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी डुमरा एक प्लान के तहत एनजीओ का माध्यम से, योजना के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, जिसकी जांच के लिए मेरे द्वारा डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुख्य आयकर आयुक्त भवन बिहार झारखंड, आयकर भवन पटना और अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई नयर हसनैन साहब को और विजिलेंस एडीजी को हमने पत्र जो है भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने भेजा है, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए और एक ही व्यक्ति को बार बार सारे योजनाओं का टेंडर दिया जाता है, प्रत्यक्ष एवं
अप्रत्यक्ष रूप से जिसका नाम अशोक कुमार है उसका भी संपत्ति का जांच कराया जाए, वरना हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है इसकी जांच के लिए, भ्रष्टाचार के जांच के लिए दिया है। एनजीओ के माध्यम से, योजना के माध्यम से सारा बिहार सरकार एवं भारत सरकार का गाढ़ी कमाई का पैसा जो कर के माध्यम से जाता है, फिर वही कर का पैसा जनता में विभिन्न मद में रिटर्न हो जाता है, सारा कमाई को ये लोग एक प्लान के तहत लूटपाट कर रहे हैं, जिसकी जांच कराने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, नरेंद्र हसन खान साहब को मुख्य कमिश्नर, इनकम टैक्स वन को और ईडी डायरेक्टर को हमने पत्र दिया है और उसके लिए समय अनुसार हाई कोर्ट में भी हम लोग, मेरे द्वारा पीआईएल अविलंब किया जाएगा और भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। मेरा नाम रामजीत सिंह यादव है, एक्स जनरल सेक्रेटरी बिहार स्टेट आरजेडी आरटीआई का हम एक्टिविस्ट डुमराव हैं। जय हिंद, जय भारत, जय डुमराव।